अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हीरा वातल स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश होकर हम तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर करे होंगे। एक्चुअली मेरा चूजा गैलरी में जा रहा है और गैलरी के अहवाल कुछ ऐसे हैं। आप बारिश हो रही है बाहर और बारिश हो रही है तो ये देख चेक द वेदर, बारिश हो रही है बारिश और इसको आना है गैलरी में, मैं मना कर रही हूँ। सो बाहर बारिश हो रही है और इस वक्त मैंने ब्रेकफास्ट करना है। मेरा ब्रेकफास्ट बना हुआ है, मैं बना के आई हूँ और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा और मेरी सिस्टर का ब्रेकफास्ट। ये रहा ऑमलेट है, ये चाय है और ब्रेड है। आज हम ब्रेड ही खाएंगे क्योंकि बारिश के दिन में हमें खाना है मछली। और इस वक्त 2 बज रहे हैं तकरीबन और मैं लेट उठी हूँ, रात को काम बहुत था वो किया, फिर सोते सोते लेट हो गया काफ़ी और फजर के बाद ही आंख लगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर खाना तो खाना ही है बाद में, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ऐसे। चूचू को भी कुछ दे देते हैं, चूचू आप भी खा लो, ये लो। नहीं खा रहा, उसको ऊपर ही ले आओ ना। चलो अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। मज़ेदार, इसको तो मैं ऐसे ही खा सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं ब्रेड ले लेती हूँ। ओके, सो मैंने सोचा आप लोगों को बारिश के कुछ दर्शन कराऊं करीब से। यहाँ तो इतना बुरा हाल नहीं होता लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में घुटनों तक पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है और हमारे यहाँ इतना पता नहीं चलता कि ये सब हो रहा है। और मेरी रोड पे आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, सो यस, इसलिए हम इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। बट और एरियाज़ में बहुत बुरी हालत होती है, पानी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है एंड सड़कों से वो घरों तक भी आ जाता है। तो जी आज चूँकि बारिश का वेदर था एंड सब घर में मौजूद थे तो हमने कहा जी आज तो मछली ही खाना चाहिए और वेदर थोड़ा सा ठंडा हो। और मछली, सॉरी ये मेरे फादर के हैंड्स हैं एंड ये बर्नट हैं एंड ये एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं कभी सुनाऊँगी आपको। एंड आज मेरे अब्बा फ्राई कर रहे थे, अब्बा हुजूर कह रहे थे कि आज मैं फ्राई करूँगा तो फिर उन्होंने फ्राई की और वो सबको सर्व कर रहे थे आज। सो ऑफ डे था सो हमने भी इंजॉय किया और ये फिर दस्तरखान लगाना शुरू हो गए बच्चे घर के, माय नेफ्यूज़। और हमारे यहाँ दस्तरखान ऐसे लगता है कि नीचे ज़ाहिर ठंडा होता है फर्श तो एक रफ चादर बिछा के ऊपर दस्तरखान। ओके, सो मैं जो हूँ फर्स्ट बाइट लेने वाली थी अपनी फ़िश की और फिश जो है फ्राइड फ़िश थी ये, और मसाला इसको लगा दिया था मेरी अम्मा ने, अब्बा ने ये फ्राई कर दी थी और मैं जम के बैठ गई थी खाने के लिए। मैं कहा आज हम छुट्टी मनाएंगे, आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हमें को सब करके देंगे और आज हमने खूब छुट्टी मनाई। अभी तो वैसे भी रमज़ान आने वाला है, खूब खापे चलेंगे, खापे खापे खाबे खाबे और उन खाबों में जो होगी
इबादत जो है ना वो डिस्टर्ब होगी ख्वाबों की वजह से, लेकिन एनर्जी वगैरह को भी ख्याल रखना पड़ता है, और एनर्जी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ज़ाहिर है सबके रोज़े होते हैं, एनर्जेटिक फूड चाहिए होता है। सो बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा और हमारे रोज़े अच्छे गुजर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की बरकतों के साथ, रहमतों के साथ हम इस दफ़ा का रमज़ान इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से गुजारेंगे इबादत करके, और बहुत दिलो जान से इबादत करके इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। एंड शॉपिंग वॉपिंग तो शुरू ही हुई है और रमज़ान के बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाह रही थी आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, क्या मसला है आप लोगों का? सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे ही चले जाते हो यार, क्यों मेरे दिल के टोटे चार करते हो तुम लोग? ऐसे ना किया करो मेरे साथ प्लीज़। जब वीडियो देख लेते हो तो सब्सक्राइब करने में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? क्या ऐसी परेशानी और ऐसी दिक्कत पेश आ जाती है कि उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते चैनल को, और वीडियो शेयर भी नहीं कर रहे होते फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ? यार कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है पता है, पूरा दिन। और उल्टी और जिनको पता नहीं होता ना वो तो ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने कोई खलाई मखलूक देख ली हो। तो बस बहुत मेहनत का काम है ये, ऐसे नहीं हो जाता ये। इसके लिए बड़े पापड़ बेले मैंने भाई, बहुत ज़्यादा मेरे पापड़ बिलवाए भी गए हैं और बेले भी हैं मैंने। सो तरक्कियाँ करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तरक्की कोई आसान नहीं है, हलवा नहीं है, पीस ऑफ केक नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तरले मिनते हम करते हैं लोगों के यार, हमें करना पड़ते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये सब करना पड़ता है। लेकिन अब बस लोगों की कोई अब थिंकिंग होती है कि जी कोई आगे ना बढ़ जाए, कोई तरक्की ना कर जाए, ये वाली थिंकिंग होती है। अल्लाह खैर करेगा सबका, अल्लाह करने वाला होता है, किसी ने किसी को रिस्क नहीं देना होता, सब अपने हिस्से का खाते हैं, सबको अपने हिस्से का मिलता है। लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं ना लोगों की, ये कभी कभी ना इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं कि वाई वी आर नॉट लाइक दैट, कि हम किसी का हाथ थाम के उसको आगे लेके चलें, हम टांग खींचने वाले क्यों हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा आज तक। एंड चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा, हम क्या कह सकते हैं, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। आप लोग मेरी प्यारी फैमिली हैं, जितने लोग मुझे प्यार करने मेरी वीडियो आके देख लेते हैं उनका तो बहुत शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब कर देते हैं ये भी बड़ा एहसान है उनका, एंड अल्लाह ताला आपको अजर दे और अल्लाह ताला आपको सवाब अता करे कि आप लोग दूसरों से जलते नहीं हैं। जो ना जलना भी एक पता है बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंदे से जल रहा होता है, सड़ रहा होता है, साड़ा हो रहा होता है उसको। सो ये जितने लोगों में ये हिस नहीं है कि वो किसी से जलें, वो बहुत अजीम लोग हैं, एंड उनको मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करती हूँ, खड़े होकर आपको मैं सलामी पेश करती हूँ इस बात के लिए। सो यस, अब मैं खाऊं, और ये बहुत मज़े की थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत मज़े की मछली अच्छे वाले वेदर में, जो बात है सीधी सीधी, ठीक है जी। आज मैंने ज्यादा ही बोल दिया ना, देखे जी यहाँ नमाज हो रही है और ये कबूतर सार अंदर आए हुए, और अभी ये पता नहीं कब तक रहेंगे क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सो अभी आराम से रिलैक्स होके आ रहेंगे और इनका जब दिल चाहेगा, और यहाँ डोर भी खुला हुआ है तकरीबन, और जब बार बार ये खुल भी जाता है, गैलरी भी खुली हुई होती है, जब दिल चाहेगा उड़ के चला जाएगा, पता नहीं आया क्यों है।